मेहनत करके हर समस्या का समाधान निकालना, हर किसी का साथ देना, हर किसी के चेहरे पर खुशी देखना और हर किसी को साथ लेके आगे बढ़ना, ये कुंभ राशि की विशेषताएं हैं। हर किसी को अपना समझना और बार बार धोखे खाना, धोखे देने वाले को बार बार मौका देना, क्योंकि जब तक सबर का बांध न टूट जाए तब तक कुंभ राशि के महिला व पुरुष उस पारिवारिक रिश्ते को या संसारिक रिश्ते को अवसर देते रहते, परंतु जब सबर का बांध टूट जाता है तो फिर ये उस रिश्ते से ऐसी दूरी बना लेते हैं जो कभी भी नजदीकियों में नहीं बदल सकती है। सत्य पर बड़े स्टिक रहते हैं, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए ये अपने फैसले से नहीं बदलते हैं। बहुत बार अपने आप को अकेला महसूस भी करते हैं, क्योंकि मतलब के रिश्ते मतलब तक चलते हैं, मतलब समाप्त तो रिश्ते समाप्त। ऐसी विशेषताएं कुंभ राशि के महिला पुरुष की होती है। कर्मठी, अपने जीवन के तमाम खुशियों को, तमाम प्रॉपर्टी को, बिजनेस को अपने आप स्थापित करना बहुत कम संख्या ऐसी होती है कि जिनमें विरासत में मिलती है। ज्यादातर अपनी मेहनत से अपने कैरियर की स्थापना करते हैं, ऐसे हैं कुंभ राशि के महिला व पुरुष। बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मानसिक परिस्थितियां कैसी रहेंगी, एजुकेशन कैसी रहेगी, जॉब कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव थे वो समाप्त होंगे, और फिर अंत में उपाय, किस महान उपाय से आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, तमाम विषय आज के हमारे रहेंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों विषय पर आगे बढ़ते हैं। मैं अंशुमन शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना केंद्र यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। आग्रह नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी से चैनल को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय गौ माता की जरूर लिखिएगा। आप हमें अपना प्रश्न भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम आपके उस प्रश्न का उत्तर दें। बात करते हैं कुंभ राशि लगन, परिस्थिति क्या है कि लगन में खाली है, द्वितीय भाव में आपके गुरुदेव मीन राशि के मौजूद हैं, तृतीय भाव में राहु चंद्रमा और चतुर्थ भाव में आपके मंगल वृषभ राशि के मौजूद हैं। नौवें स्थान की धर्म की बात की जाए तो यहां केतु विराजमान है, एकादश भाव में सूर्य बुध आदित्य योग के साथ विराजमान है और द्वादश भाव में शुक्र शनि मौजूद हैं। आज का हमारा फलादेश चंद्र कुंडली नाम पर आधारित वह कुंभ लगन पर निर्धारित रहेगा। स्वास्थ्य की बात की जाए ना ज्यादा घबराने की बात है, क्योंकि ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है। पुरानी समस्याओं का समाधान होने की संभावना, किसी अच्छे वैद्य से आपकी पुराने रोग का आपको हल मिल सकता है, परंतु स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेंगे, पेट परेशान कर सकता है, नाड़ियों की कोई दिक्कत आ सकती, सर्वाइकल परेशान कर सकता है, और बड़ी विशेष बात कि आपको गाड़ी चलाते समय थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि छठे स्थान पर आपके मंगल की नजर है, काफी ग्रहों से आपका छठा स्थान प्रभावित है, तो यहां पर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग कीजिएगा, बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग कीजिएगा, रोंग दिशा में चलने की गलती मत कीजिएगा। जो जल्दी से ज्यादा जल्दी से चलते हैं अक्सर उनकी तस्वीर के आगे लेट लिखा होता है, तो दोस्तों ज्यादा जल्दी में मत निकलिएगा, क्योंकि ठंड का मौसम है, कोहरे की स्थितियां हैं, तो अपना ध्यान जरूर रखिएगा। और हालात जनवरी के महीने के इस तरह के अच्छे नहीं हैं, तो यहां पर आपको सावधानी रखनी होगी। बात की जाए दोस्तों विद्यार्थियों की, भाई आपका पंचम भाव बुद्ध के स्वामी हैं, सूर्य के साथ विराजमान है, पर वक्री अवस्था में है, मेहनत ज्यादा करनी होगी। कल करे सो आज करे सो अभी, अर्थात जो आज करना है उसे कल पर मत छोड़िएगा और जो आज करना है उसे अभी कर दीजिएगा, सफलता जरूर आपका साथ देगी। आलस और लापरवाही आपके सपने को बिगाड़ सकती है, आपके माँ बाप ने जो सोचा है उस सपने से आपकी दूरी हो सकती है, मेहनती बनिए, सफलता आपके साथ है। बात की जाए दोस्तों लव रिलेशन की, भाई उम्मीदें आप ज्यादा कर रहे हैं और उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि के, जब इंसान का विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, और बुद्धि विपरीत कब होती है, जब इंसान कोई इच्छा रखे वो पूरी ना हो, तो आवेश से भर जाता है, क्रोध से भर जाता है, तो यहाँ उम्मीद कम करिएगा, रिलेशन अच्छा जा सकता है, उम्मीद ज्यादा करेंगे रिश्ता बिगड़ सकता है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो दोस्तों अभी खट्टा मीठापन रहेगा, 22 जनवरी के बाद इसमें सुधार आने की संभावना है, छोटी बातों को बड़ा मत बनाइएगा।
ज्यादा तूल मत दीजिएगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिएगा। यदि उसको क्रोध है तो आप शांत, और आपको क्रोध है तो उसको शांत होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और हाँ दोस्तों, आपके पार्टनर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो आपके पार्टनर रहेंगे वैवाहिक जीवन में, उनकी हेल्थ का इशू रहेगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बेकार की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस महीने में उनकी स्वास्थ्य बिगड़ने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं। तो महीना अच्छा जाएगा, प्रयास आपका, सफलता आपका साथ देगी। बात की जाए दोस्तों जॉब की, भाई जॉब में आप जो आलस और आसानी से जो कार्य आप सोचते थे हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में आपका मंगल मौजूद। तो भाई यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई समस्या सोल्व होने वाली नहीं है। आपकी मेहनत आपको 23 से शुरुआत होने वाली है। आपको मान प्रतिष्ठा यश धन सभी प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि 2.5 साल के बाद जैसे ही 17 जनवरी को शनि घर परिवर्तन करेंगे, आपके लगन में आएंगे, तो वैसे ही आपको धन से हर तरीके से संपन्न करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी अच्छी रिस्पेक्ट भी हो सकती है, चाहे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं या आप किसी और जॉब में हैं। तो हर तरीके से आपको मेहनत आप करेंगे तो शनि को आपका स्वभाव बड़ा पसंद आएगा, और जब महाराज शनिदेव का आपका स्वभाव पसंद आएगा तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो छोटी सी सावधानी, जीवन में बड़ा परिवर्तन। अब बात की जाए दोस्तों व्यवसाय की। देखो दोस्तों, व्यवसाय में अभी जो है थोड़ा सा विलंब है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, खर्चे ज्यादा हैं, आय कम है। 17 जनवरी के बाद आय अधिक होगी, खर्चे कम होंगे, पर यहाँ पे आपको चतुराई रखनी पड़ेगी। कुछ लोग आपके व्यवसाय पर गलत नजर बिठाकर, गलत नजर लगाकर बैठे हैं, सावधान रहिएगा, आपका व्यवसाय बिगाड़ सकते हैं। आपकी चतुराई आपको समस्या से निकाल सकती है। 17 जनवरी के बाद आपके जो है तमाम खर्चों पर लगाम लगेगी, आय में अत्यधिक वृद्धि होगी, धन का स्टॉक आपके पास होना शुरू हो जाएगा। आप चाहे व्यवसाय में कोयला, लकड़ी, तेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करते हैं, सरकार से संबंधित है, जमीन जायदाद, आयात निर्यात, पेंटिंग, बैंक, टीचिंग, इन सभी में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होने वाली है। तमाम परेशानियां जो आपने पिछले 2.5 साल से जो फेस की थी, क्योंकि जिस स्थान में शनि की मौजूदगी थी, द्वादश भाव में यहां पर शनि कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं, अष्टम चतुर्थ, तो यहां पर कहीं ना कहीं आप शनि के क्रूर प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। अब आपकी तमाम परेशानियों का समाधान होने के मार्ग खुल चुके हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। जितना प्रयास, जितनी मेहनत होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा भाव रखिएगा, अच्छी सोच रखिएगा। तो जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ देखे जाएगा। अब बात की जाए दोस्तों सुंदर से उपाय की। सबसे परम आवश्यक मंत्र है वो ये है, महान मंत्र, कि आप अपनी माँ की आराधना कीजिएगा, जन्म देने वाले की। आप शनि देव जी की हिस्ट्री को पढ़िएगा तो आपको उनका स्वभाव पता लग जाएगा, फिर आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप जन्म देने वाली माँ की आज्ञा मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं और डेली एक परिक्रमा करते हैं, बड़ा सुंदर उपाय है। विद्यार्थी भी इस बात का ध्यान रहे कि माँ बाप को इग्नोर ना करें, मस्ती में ना रहें, माँ बाप का सम्मान करें, वो चाहे व्यवसायिक हैं चाहे पढ़ाई करने वाले, सभी को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब बात की जाए दोस्तों दूसरे उपाय की। आप शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं, उस दिन सुंदर सी खिचड़ी बनाकर आप किसी मंदिर में जरूरतमंदों को दे सकते हैं। शनिवार के दिन आप मजदूर वर्ग के लोगों की, यदि आप किस जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास कोई मजदूर काम कर रहे हैं, चनाई का कोई काम लगा हुआ, तो वहाँ जाकर आप उनको चाय या भोजन की सेवा दे सकते हैं। बड़ा सुंदर उपाय है, अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तेल का दान कर सकते हैं आप शनिवार के दिन, छाया पात्र में चेहरा देखकर आंखें की जड़ में 4 शनिवार तेल डाल के ये 5वें शनिवार को कटोरी भी वहीं रख कर आइएगा। बहुत सुंदर अद्भुत उपाय है, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इन सबसे अलग एक उपाय है, आप जितना अच्छा रहेंगे उतना शनिदेव जी आपको अच्छा फल देंगे। ईर्षा द्वेष सब त्याग दीजिएगा, संसार का खेल है, मतलब के साथ चलना ये दुनिया की नेचर है, आपकी नहीं है, आप दुनिया से अलग हैं, तो आप अपने आप को अलग ही बनाइए।
कहते हैं ना, जरूरी नहीं 100 साल जिया जाए, जरूरी है एक दिन में ऐसे काम किए जाएं कि जो 100 साल तक याद किए जाएं। आपका जमीर, आपकी सोच वैसे ही अलग है। आप इस संसार में दयालु और अच्छे स्वभाव से पहचाने जाते हैं, तो आपकी पहचान वैसे ही सुंदर है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप चांद की तरह चमक जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे बड़े सुंदर सुंदर उपाय। एक और बता देते हैं, आप उपल धारण कर सकते हैं 7.25 रत्ती में शनिवार के दिन, समा चाहूंगा शब्दों के लिए, शुक्रवार के दिन इस उंगली में 7.25 रत्ती में ब्राह्मण से प्रतिष्ठित करवा के आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी जानकारी जो आपके लिए बनाई थी। अब आप आगे क्या जानना चाहते हैं वो प्रश्न कर सकते हैं। अगला विषय हमारा रहेगा मीन राशि का लेके, बहुत जल्दी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम संदेश, जरूरतमंदों की मदद कीजिएगा, बेजुबानों के लिए खड़े हो जाएगा। इस समय जरूरत है, ठंड की स्थिति बन चुकी है। गाय हो, डॉग हो, जितना आप उनके लिए कर सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, कूट दे सकते हैं, आग्रह है आप लोगों से, हाथ जोड़ के निवेदन है। अरे भी ठंड में वो लोग बड़े बेचैन हैं, व्याकुल हैं, आप मदद कीजिएगा उनके। देखना परमात्मा आपका ध्यान रखेगा, जब आप उनका सहारा बनेंगे तो भगवान आपका सहारा बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, मदद करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। जय गौ माता की, जय भारत।